आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सब का रेडियो। मैं डॉक्टर कमल बोस, अध्यक्ष हिंदी विभाग, सेंट जेवियर कॉलेज रांची। अपने देश की 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रेडियो खांची के तमाम श्रोताओं को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। आज़ादी का यह दिवस प्रतिवर्ष अनेक हर्ष लेकर आता है। हम वर्तमान में खुशहाल हैं, लेकिन यदि हम अतीत के पन्ने पलटें तो अतीत के पन्नों में, इतिहास के अनेक अध्यायों में आज़ादी के लिए किए गए संग्राम और उनमें शामिल तमाम देशवासियों की कुर्बानियों की दास्तान भरी हुई है। एक लंबा सिलसिला है त्याग और बलिदान का, देश के लिए मरने मिटने का एक अद्भुत जज्बा हमें दिखाई पड़ता है। हम महसूस करते हैं कि उस समय के देशवासियों ने, आज़ादी के असंख्य दीवानों ने यह महसूस किया था कि गुलामी की जिंदगी से बेहतर है आज़ादी की मौत, इसलिए देश के लिए मरने मिटने को आतुर थे। एक भी मौका नहीं गंवाया देश के लिए मरने मिटने का, देश को आज़ाद करने का जो सपना देखा था, उन सब ने उस सपने को साकार करने के लिए अपने मूल्यवान प्राण की आहुति दे दी, इस मूल्यवान देश की रक्षा के लिए, देश की आज़ादी के लिए। इसलिए आज हम उन शहीदों का नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं, ये महसूस करते हैं कि देश का इतिहास हिमगिरी के शिखर पर तुम लिखो आदित्य की उज्ज्वल किरण से। देश का इतिहास हिमगिरी के शिखर पर तुम लिखो आदित्य की उज्ज्वल किरण से। एक जीवन तो बहुत कम है कि जिसमें हो सकूंगा ऊऋण मैं निज देश ऋण से। हम देश के ऋणी हैं, शहीदों के कर्जदार हैं। हमें आज़ादी का मूल्य समझना है, आज़ादी के इस महत्ता को, प्राप्त हुई आज़ादी की रक्षा करनी है, अपने मान सम्मान स्वाभिमान और शान की रक्षा करनी है, अपनी भी और देश की भी। इसलिए देशवासियों को याद करते हुए हम महसूस करते हैं कि सर झुकाया नहीं सर कटाते रहे, सर झुकाया नहीं सर कटाते रहे, देख बलिदान दुश्मन भी जाते रहे। माँ ने बांधा था सर पे तुम्हारे कफन, माँ ने बांधा था सर पे तुम्हारे कफन, आज करता हूँ मैं देशभक्तों नमन। इसी भावना के साथ हम ये मानते हैं कि जिंदगी है कल्पनाओं की जंग, जिंदगी है कल्पनाओं की जंग, कुछ तो करो इसके लिए दबंग। जियो शान से भरो उमंग और लहराओ सबके दिल में देश के लिए तरंग। जिस देश के हम वासी हैं, जिस देश में, आज़ाद भारत में हम खुली हवा में सांसें ले रहे हैं, हम सब के मन में देश के लिए जो तरंग है, वो तरंग इसलिए आज है कि आज़ादी के संग्राम में पूरे देश ने भाग लिया था। सभी राज्यों के वीर सपूतों ने भाग लिया था, झारखंड भी इससे इतर नहीं है। झारखंड के असंख्य वीरों ने, असंख्य सपूतों ने देश के लिए कुर्बानियां दी थी। मेरी वार्ता का विषय है आज़ादी के समर में अमर हुए हमारे वीर सपूत। राष्ट्रीयता एवं स्वाधीनता को आधार बनाकर झारखंड में भी अनेक संघर्ष और आंदोलन हुए। इन आंदोलनों को हम तीन रूपों में देख सकते हैं। झारखंड में आंदोलनों का जन्म तब हुआ जब यहाँ के भूपतियों के अस्तित्व पर आँच आई और यहाँ के निवासियों पर करों का बोझ डाल दिया गया। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार हेतु कुछ आंदोलन हुए। इन दोनों आंदोलनों ने अंततः स्वतंत्रता संग्राम की शक्ल अख्तियार कर ली। सन 1784 ईस्वी में झारखंड के सपूत तिलका मांझी के सक्षम नेतृत्व में संथाल परगना में बड़ा जन आंदोलन हुआ। मुंडा विद्रोह के समापन के एक वर्ष के उपरांत मेदिनीनगर में भूमिज विद्रोह हुआ।
इससे आंदोलित होकर यहाँ के आदिवासियों एवं मूल वासियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मुंह खोला। झारखंड की जनजातीय जनसंख्या ने एक मंच पर आकर पहली बार संगठित आवाज उठाई। फिर शुरू हुआ आंदोलनों का सिलसिला। सन 1857 का सिपाही विद्रोह झारखंड के विद्रोह की कोख से जन्मी राष्ट्रीय चेतना थी। ये सभी विद्रोह प्रेरणादायी थे, जिन्होंने भारतीयों के अंतस में अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना जगाई। हमारा देश बहुरंगी पुष्प स्तवक है और हमारा झारखंड सुरभित पुष्प की भांति मनभावन है। झारखंड को गर्व है अपनी समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा पर, संघर्ष के पथ पर लंबा सफर करते अपने सपूतों पर, आजादी के समर में अमर हुए अपने जाबांज लोगों पर, उन शूरवीरों एवं नर रत्नों पर जिन्होंने विदेशी शक्तियों पर रोक लगाने का काम आरंभ से ही किया। कोल विद्रोह के अमर नायक कुर्जी मांझी, वीर शाह तिलका मांझी, वीर योद्धा शेख भिखारी, जननायक बुद्धू भगत, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, क्रांतिवीर नीलांबर पीताम्बर, तिलंगा खड़िया की अमर कहानी, वीर अहिंसावादी जत्रा भगत, देश प्रेमी ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, विद्रोह नायक टिकेत उमराव सिंह, सिपाही विद्रोह के सेना नायक पांडे गणपत राय, क्रांतिकारी शहीद जग्गू दीवान, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक गया मुंडा, सिद्धू कानू, संताल हुल के अमर बलिदानी जैसे अनेक जाबाज शूरवीरों की लंबी सूची बनाई जा सकती है, जिन्होंने प्राण देकर इस देश को जिंदगी दी और जिनका अनवरत संघर्ष विदेशी दास्ता बाहरी ठेकेदारों, शोषकों, अनाचारियों एवं अत्याचारियों से मुक्ति के लिए था। अपनी अस्मिता, अपनी मान मर्यादा एवं अपनी धरती की रक्षा के लिए संघर्ष करना, कुर्बानियां देना इन शूरवीरों के जीवन का अभिन्न हिस्सा था। स्वतंत्रता संग्राम के गौरवपूर्ण इतिहास में झारखंड का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। झारखंड का समग्र इतिहास उपलब्ध न होने के कारण अनेक शूरवीर गुमनामी के अंधकार में छिप गए। यह ज्ञात हुआ है कि नागवंशी राजा द्वारा अंग्रेज शासकों को निर्धारित कर भुगतान नहीं करने की शिकायत करने पर अंग्रेज शासकों से नवागढ़ के जमींदार वैद्यनाथ शाही उर्फ वक्तर सॉय एवं पनारी परगना के जागीरदार मुन्ना सिंह से जबरदस्त संघर्ष हुआ। अंग्रेज सेना बुरी तरह परास्त हुई। कालांतर में जशपुर के राजा रंजीत सिंह के सहयोग से बख्तर सिंह एवं मुंडन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों को कलकत्ता के विलियम के किले में ले जाकर फांसी दे दी गई और उनकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली गई। इस तरह आज़ादी के दो महान नायक इतिहास नायक बन गए। पोड़ाहाट के राजा अर्जुन सिंह अपने भाई के साथ सिंहभूम के कोल लोगों का एक मजबूत संगठन बना लिया। अंग्रेज सरकार के लिए उनका विद्रोह बड़ा ही घातक साबित हुआ। सरकारी सैनिकों को पराजय का सामना करना पड़ा। दिसंबर 1859 ईस्वी में अर्जुन सिंह को गिरफ्तार कर उसे राजकीय बंदी के रूप में बनारस भेज दिया गया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। आदिवासियों का पहला संगठित विद्रोह मुंडू में सन 1789 में शुरू हुआ। मुंडा विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध इस आंदोलन के नेता थे बुद्धू मांकी, जिसने मानो झारखंड में विद्रोह का बीजारोपण किया और तत्पश्चात विद्रोह का सिलसिला पूरे प्रदेश में शुरू हुआ। 1782 ईस्वी में ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में तमाड़ से ही विद्रोह का बिगुल बजा। 1800 ईस्वी में दुखन सिंह चिरो की अगुवाई में पलामू में विद्रोह का शोला भड़का, उन्हें फांसी चढ़ाई गई। 1820 ईस्वी में तमाड़ में कोंता सिंह मुंडा के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ। कांता मुंडा ने अपने चतुर्दिक अवस्थित मुंडा परिवारों पर होने वाले आक्रमण अत्याचार के विरोध में विद्रोह का ऐलान किया। 1831 ईस्वी में इस कोल विद्रोह का बड़ा रूप उग्र रूप सामने आया। सिंगराय मानकी और सुरंगा मुंडा के ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। इन वीरों की शहादत ने छोटनागपुर में और अब के झारखंड में स्वाधीनता संग्राम को तीव्र किया।
टिकेत, मर सिंह, शेख भिकारी, नादिर अली, जयमंगल पांडे, जतरा उराव जैसे अनेक संघर्षशील आज़ादी के दीवानों को भूल पाना कतई संभव नहीं, उचित नहीं, जिन्होंने झारखंड की जनजातीय जनता में नवीन जागरण का संचार किया। ऐसे ही असंख्य वीर सपूतों के अथाह अकथ संघर्ष और शहादत का ही परिणाम है हमारी स्वतंत्रता। हमारी धड़कन में बसी है उनकी अमिट स्मृतियाँ, हमारे मन प्राण में बसे हैं उनकी यादों के घरौंदे। क्योंकि कौन कहते हैं कि मर गए वे लोग, कौन कहते हैं कि मर गए वे लोग, कौम को जिंदा कर गए वे लोग। आज़ादी के संग्राम में शामिल तमाम लोगों ने अपने अपने ढंग से आंदोलन को तीव्र किया, और साथ ही साथ ऐसे अनेक कलमकार थे जिन्होंने अपनी कलम के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से संघर्ष किया, मानसिक संघर्ष किया, और सब में आज़ादी के प्रति जोश और प्रेरणा जगाई। सच ही कहा गया है कि जिस समाज में संघर्ष नहीं होता वहाँ उम्मीदों और सपनों की जगह भी सिमट जाती है। समाज और राष्ट्र के प्रति सजग एवं प्रतिबद्ध कलमकारों ने युगीन हलचलों को, संघर्ष को अपने साहित्य में रेखांकित किया। सचमुच जीना केवल सांस लेना नहीं है, बल्कि आज़ादी के उन्मुक्त गगन तले स्वाभिमान की जमीन पर अपनी जड़ों और भूमि को याद करना भी सच्चा जीना है। भारतीयों में चेतना और स्फूर्ति का संचार करने में, जनजीवन में जागरण का उद्घोष करने में रचनाकारों का अप्रतिम योगदान उल्लेखनीय है, जिनके कारण विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध आत्मसंगठन के भाव जनता के मानस सागर में हिलोने लेने लगे। गुलामी के विषाक्त माहौल में मृतप्राय निराश भारतीयों में उत्साह का संचार हुआ, उनकी धड़कनें तेज हुई, विदेशियों के खिलाफ एकजुट हुए, मरने मारने को आमादा भारतीयों ने आज़ाद भारत का सपना देखा, सभी आंदोलित हुए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कोख से उपजे हिंदी साहित्य में देशभक्ति, राष्ट्रीय भावनाओं के जागरण, राष्ट्रीय एवं मानवीय एकता, देश प्रेम एवं देशानुराग की सशक्त अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीय चेतना कर्म क्षेत्र से जुड़ी एक अभिन्न प्रक्रिया है। यह एक अनुभूति एवं भावबोध है जो ये मानता है कि स्वतंत्रता से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं है। इसी भाव प्रेरणा से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में हंस हंस कर गीत गाते, पुनः जन्म लेकर फिर मुक्ति संग्राम की कामना रखने वाले असंख्य वीरों, प्राणों को निछावर कर देने तथा जीवन की धन्यता का भाव लाने वाले असंख्य लोगों के अंतःकरण में प्रबल प्रेरणा देने का महनीय काम किया हिंदी भाषा के समर्थ सशक्त कवियों ने, लेखकों ने, आज़ादी के स्वप्नद्रष्टा कवियों ने। कायरों को वीरता दी, मृतकों को संजीवनी दी, निर्बलों को बल दिया एवं जनसाधारण को दृढ़ संकल्प शक्ति का उपहार दिया। आज़ादी के दीवाने इन गीतों को झूम झूम कर गाते, उनकी धमनियों एवं शिराओं में तीव्र रक्त संचार होता और इस प्रकार वे अपने सपने को साकार कर सके। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई देता न दशमलव भारत तो यूं चांद जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए?
और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, चुकी सारी दुनिया हो जिसे मान चुकी सारी दुनिया। मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहां, इतने पावन है लोग जहां। मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा,